हेलो माय वाटी फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज बहुत दिनों बाद ना एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसका ना सिर्फ डेकोरेशन ही आज हम करेंगे, बाकी बहुत बार हम ना केक की लेयरिंग करना, केक की फिनिशिंग करना सीखते हैं, तो आज हम ये केक का ना सिर्फ डेकोरेशन ही करेंगे। आप देख सकते हैं ये 1 kg का केक है। तो मैंने क्या किया था, पहले अच्छे से केक को फिनिशिंग करके ली थी, फिर बाद में ना उसके ऊपर ब्लू की एक लेयर लगाई है, आप देख सकते हैं, और उसको मैं अच्छे से फिनिशिंग कर रही हूँ। इसमें ना मैंने ज़्यादातर हमारे जो फॉक्स बॉल आते हैं ना उसका यूज़ किया है, फिर जो इडिबल हमारा गोल्डन गोल्डन वाला आता है ना पेपर इडिबल होता है, वो उसका यूज़ किया है। आप बाद में देख सकते हैं इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियली यूज़ की है जो नॉन इडिबल है। ऐसे केक के ना बहुत कम ऑर्डर्स आते हैं। ये ट्रफल टच केक है, तो अंदर ना पूरा ट्रफल का यूज़ किया है और बाहर से ना क्रीम का यूज़ किया है। अगर आप लोगों को ना मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से फिनिशिंग कर रही हूँ। अंदर तो मैंने व्हाइट क्रीम से अच्छे से फिनिशिंग कर दी थी, लेकिन फिर भी हमने सेकंड लेयर जो ब्लू क्रीम का लगाया था ना उसकी भी अच्छे से फिनिशिंग करनी थी। देखिए फिर मैंने केक बोर्ड को अच्छे से क्लीन किया। ये हमारा इडिबल गोल्डन जो पेपर आता है ना उसका यूज़ कर रही हूँ मैं। इसको ना आपको बहुत हल्के हाथ से लगाना होगा, नहीं तो ये क्या होता है चिपक जाता है, इसीलिए। ये आपको कोई भी जो बेकरी शॉप होती है जहाँ केक मटेरियल मिलता है ना वहाँ पर इसकी एक 60 रुपीज़ या 50 रुपीज़ की बोतल आपको आराम से मिल जाएगी, और वो बहुत दिनों तक चलती है। उसमें ना बहुत सारा होता है, आप देख सकते हैं मैं एकदम हल्के हाथ से उसका उसको लगा रही हूँ। ये बर्थडे के लिए केक था। ये देखिए मैंने इसके ऊपर ना जो हमारे आर्टिफिशियल लीफ आते हैं ना गोल्डन कलर के उसका यूज किया है। अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते हैं, चॉकलेट का यूज करना चाहते हैं, तो ना मार्केट में ना लीफ के मोल्ड भी आए हैं अलग अलग टाइप के, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर ने कहा था आर्टिफिशियल ही चाहिए थी, इसीलिए ना मैंने यही यूज किया था। और ये ना मेरे पास ब्लू कलर के बॉल थे, ब्लू और गोल्डन और वाइट का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। कस्टमर ने ऐसे ही कहा था कि उनको ना ब्लू और वाइट और गोल्डन ये तीन ही कलर चाहिए थे केक में, तो इसीलिए मैंने ना ये तीन ही कलर का यूज़ किया है। ये देखिए मैंने बहुत सारे फॉक्स बॉल यूज़ किए हैं इसमें ब्लू कलर के। ये फॉक्स बॉल भी आपको ना मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, जहाँ पे केक का सामान मिलता है ना वहाँ मिल जाएंगे। हमारे यहाँ तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं, अगर आपके वहाँ पे कम रेट में मिलते हैं तो वहाँ से परचेस कर लेना, नहीं तो आजकल ना ऑनलाइन भी बहुत सारे इंस्टा पे ना पेजेस है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं। ये देखिए मेरे पास ब्लू कलर की ना बटरफ्लाई थी, तो मैं उसका भी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ना मेरे केक डेकोरेशन का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ये भी बटरफ्लाई का 60-65 रुपीज़ तक ना पैकेट मिल जाता है, हमारे यहाँ थोड़ा कॉस्टली है इसीलिए। ये ब्लू बटरफ्लाई है और साइड में ना गोल्डन कलर का थोड़ा सा उसको ना आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का भी थोड़ा सा डिजाइन है। ये देखिए ये भी बटरफ्लाई मैंने यूज की है, ये भी आपको बेकरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। इसमें बहुत से कलर्स आते हैं, अभी तो बटरफ्लाई में ना इतने सारे कलर्स अवेलेबल हो गए हैं, और एडिबल नॉन एडिबल दोनों भी है, तो आप परचेस कर सकते हैं। नॉन एडिबल भी आजकल बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। ये देखिए केक का फाइनल लुक,
अगर आप लोगों को मेरा एक केक का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है केक, आप भी ट्राई कर देख सकते हैं। बाय।